So today we are going to start the revision of grammar FA4, right? जो हमने MCQs पहले किए थे, हमने count कितने तक किए? 30 तक. So today we are going to start from 31. Now first of all, what you have to do? You have to write today's date 30/3/21 CW. Okay? Adding तो आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको क्या करना है? Continue करना है. Okay? Number 31. Tick. 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 The correct COWRNCT correct answers. So यहाँ पे देखो two sentences दिए गए. First sentence क्या है? A tailor 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 stitch 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 clothes CLOTHES clothes. Number two a tailor मतलब B a tailor 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 stitches 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 clothes CLOTHES clothes. अभी हमने कुछ रूल्स रिमेम्बर किए कि अगर यहाँ पे सिंगुलर हो तो हमें यहाँ पे जो हमारा वर्ब या कुछ भी हम जो यूज करते हैं डूइंग वर्ड्स में तो वो क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है, नहीं है. और लास्ट में क्या होना चाहिए? हमेशा फुल स्टॉप. आपको यहाँ पर फुल स्टॉप दिख रहा है सेंटेंस में? नहीं दिख रहा है. अभी नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? ये सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है, हमने ES एड किया है और यहाँ पे हमने क्या किया है? फुल स्टॉप भी एड किया है. सो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स. ओके, सो ये हमारा राइट आंसर जो हमने टिक कर दिया. नेक्स्ट 32. शी डैश हर वर्क नीटली. अभी हमें ऑप्शंस क्या दिए? डू और डस. अभी आप यहाँ शी डू हर वर्क नीटली भी लिख सकते हो, आप शी डज हर वर्क नीटली भी लिख सकते हो. आपको ऐसा लगेगा डू और डज में चेंज क्या है? दोनों डूइंग वर्ड ही है ना. हम जो कोई भी वर्क करते हैं हम डू भी यूज करते हैं, हम डज भी यूज करते हैं, बट हमारे रूल्स के हिसाब से. सो हमने हमारे जो टेक्स्ट बुक है ना, जो ग्रामर की, उसमें आपको वो टेबल दिया गया था कि आप कब गो डू और डज और गोज यूज कर सकते हो. आई यू विल या तो दे जो होता है उसके साथ आपको क्या यूज करना होता है? हमेशा डू और गो. और जब शी ही या तो कोई भी नेमिंग वर्ड हो, जैसे मेरा नाम अंकिता है, तो अगर यहाँ पे कोई भी सेंटेंस कोई भी नेमिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, ही से स्टार्ट होता है या शी से स्टार्ट होता है, तब आप लोगों को क्या यूज करना होता है? डज या तो फिर गोज. ओके, यहाँ पे हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? शी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या टिक करेंगे? हमारा आंसर डज. ओके, नेक्स्ट क्या है? 33. दे TFCY दे डैश विद WATH विद वाटर WATI वाटर कलर COLORS कलर. अभी हमें यहाँ पे टू ऑप्शंस दिए हैं, पेंट PAINT एंड बी इज पेंट्स PAINTS पेंट्स. अभी ये भी रूल क्या है? यहाँ पे दे, तो दे क्या हुआ? प्लूरल. प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं ना, बहुत सारे लोग हो तो हम क्या बोलते हैं? दे आर डूइंग देयर वर्क. तो वो लोग मतलब सब साथ में अपना वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, पेंट्स हम यूज नहीं करेंगे. सो हमारा आंसर क्या है? पेंट. Now 34, YOU dash a blue pen, BLUE blue pen, EN pen, full stop, have, HAVE have, HAVE have, YOU lost, LOST lost, E. अभी इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? कि आपके पास ब्लू पेन थी पर अभी नहीं है, तो आपने क्या खो दी? मतलब ऐसे इंग्लिश में है, यू डैश अ ब्लू पेन हैव यू लॉस्ट इट. तो हमें यहाँ पे पूछा है कि आपके पास पहले वो था, राइट? अभी नहीं है, तो यू हैड अ ब्लू पेन हैव यू लॉस्ट इट. हैड हम कब यूज करते हैं? जब जो चीज पहले हो गई, राइट? हम कोई भी पास्ट की चीज बताते हैं, या तो कोई भी चीज पहले हो गई है तब हम हैड यूज करते हैं, और हैज हम कब यूज
ओके तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू हैड अ ब्लू पेन, मतलब आपके पास पहले ब्लू पेन थी, अभी नहीं है, तो हैव यू लॉस्ट इट, तो आपने खो दी है इसलिए आपके पास नहीं है, ओके सो हमारा आंसर क्या है, है नाउ नंबर 35 अ पाम, PALM पाम ट्री, TREE ट्री डैश बिग लीव्स, अभी यहाँ पे भी हमें ऑप्शन में क्या दिया है, हेड एंड हैज, अभी देखो पाम ट्री मतलब कोई भी ट्री होता है तो उसकी लीव्स तो होती है, उस पर ऐसा तो नहीं होता है कि आज उसकी लीव्स है कल उसकी लीव्स नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए हेड हम तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि हेड हम कब यूज करते हैं, कोई भी चीज पहले हो गई हो उसके लिए, राइट, और यहाँ पे पाम ट्री, ट्री क्या है सिंगुलर, एक ही ट्री के बारे में बात की, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हैज, अ पाम ट्री हैज लीव्स, क्योंकि उसके पाम ट्री में लीव्स होते हैं, कोई भी ट्री में लीव्स तो होते हैं, राइट नाउ सो 36 आई डैश अ बुक दैट, PHAT दैट आई रेड, READ रेड लास्ट, LAST लास्ट नाइट, NIGHT नाइट, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लास्ट नाइट मतलब आपने पहले पढ़ ली है, राइट, पास्ट के बारे में यस्टरडे या कोई भी पास्ट के बारे में बात की गई, तो सिंपल है कि जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हैड, आई हैड अ बुक दैट आई रेड लास्ट नाइट, ओके नाउ 37 व्हेन, WHEN व्हेन आई वाज स्मॉल, SMALL स्मॉल कोमा आई डैश शॉर्ट, SHORT शॉर्ट है, HAIR है, अभी ये भी क्या है कि व्हेन आई वाज स्मॉल मतलब मैं जब छोटा था या छोटी थी तब मेरे बाल शॉर्ट थे, ऐसा हमें सेंटेंस में बोल रहे, मतलब ये भी क्या हुआ, पहले की बात है अभी की बात नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, है When I was small, I had short hair. Now 38. He dash very well. He मतलब क्या है? Singular. So he sings very well. अगर ये singular है, तो ये plural कर देंगे. Okay. 39. He dash his his hands. H-A-N-D-S hands. When he is happy. So यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, clap और claps. तो यहाँ पे ed हम कब यूज करते हैं कोई भी वर्ड में, जब वो चीज पहले हो गई होती है, मतलब clap मतलब उसने बोल दिया हो कि भाई मैंने पहले clap किया था, ऐसा कोई भी हो तब हम ed लगाते हैं, और s हम कब लगाते हैं, यहाँ पे is है, उसका मतलब क्या है कि वो सेंटेंस अभी प्रेजेंट टेंस का है, राइट, तो हम क्या यूज करेंगे, एस, सो ही क्लैप्स हिज हैंड्स व्हेन ही इज हैप्पी, नाउ 40 मदर, MOTHER मदर डैश ऑन द और यहाँ पे ऑप्शंस में देखो दो वर्ड्स भी दिए गए, फिर उसमें से राइट वर्ड हमें टिक करना है, अभी यहाँ पे मदर है तो मदर मतलब एक सिंगल पर्सन के बारे में बात की है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे हम प्लूरल करेंगे, सो यहाँ पे देखो सिट्स यहाँ पे भी है, सिट्स यहाँ पे भी है, ये ऑप्शन तो दोनों में ऐसे हो तो सिट्स तो दोनों में प्लूरल वाला ही, फिर दूसरी एक ब्लैंक क्या है, मदर सिट्स ऑन द चेयर एंड नीड्स, क्योंकि मदर और चेयर भी देखो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म, मतलब ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म का है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो किस में होगा, प्लूरल में होगा, तो हमें दोनों चीजें प्लूरल वाली चाहिए, यहाँ पे देखो अगर ये प्लूरल है तो यहाँ ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर हो गया, सो हमारा ऑप्शन ये राइट हुआ नहीं होगा, क्या होगा राइट, ये मदर सिट्स ऑन द चेयर एंड नीड्स, ओके
bicycle very. V-E-R-Y, very fast. F-A-S-T, fast. Mana is singular, right? Single person. Mana is a single person. तो ये singular हुआ, तो हमारा answer क्या होना चाहिए? Plural. Manan rides the bicycle very fast. Okay. Now 42. The farmer, F-A-R-M-E-R, farmer is dash the T-H the field, F-I-E-L-D, field. अभी देखो, हमारे doing words जो थे हम is के साथ कौन से word use करते थे? ing form वाले, right? तो यहाँ पे ing form वाला word कौन सा? इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड हमारे चैप्टर में था ना, डूइंग वर्ड वाले चैप्टर में. तो यहाँ पे है आईएनजी, तो द फार्मर इज प्लाउ द फील्ड आएगा? नहीं आएगा. इज मतलब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वो मतलब वो वर्क कर रहा है. तो क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म. सो द फार्मर इज प्लाउइंग द फील्ड. ओके. नाउ 43. Tinker, T-I-N-K-R, tinker, bell, E-L, bell, often, O-F-E-N, often, dash, flowers, F-L-O-W-R-S, flowers. So, tinker bell banda, एक tinker bell नाम का लड़का या लड़की होगा, यहाँ होगी. तो वो क्या करती है? रोज flowers को visit करती है, मतलब वो flowers मतलब उसने जहाँ पे भी garden में या कहीं पे भी flowers grow किए होंगे ना, वहाँ पे वो जाती है. ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा? ये सिंगुलर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरल. टिंकरबेल ऑफन विजिट्स फ्लावर्स. ओके. नंबर 44. टेक द करेक्ट सेंटेंस. तो यहाँ पे भी हमें टू सेंटेंसेस दिए हैं. हिज, ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया, इज माय ब्रदर, मतलब वो मेरा भाई है. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है, इज माय ब्रदर, बट ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है. हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हमारे सेंटेंस में? नहीं लिखते. और यहाँ पे दूसरा भी क्या है? स्मॉल है. हमारा सेंटेंस हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, और हमारा शॉर्ट फॉर्म का सही मैनर क्या है? ये एपोस्ट्रोफी वाला. ओके. सो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ही इज माई ब्रदर. एंड लास्ट, शी डैश अ टेस्ट लास्ट, एल एस टी, लास्ट मंडे, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे. यहाँ पे भी कहाँ, कब की बात की गई है? पहले की, लास्ट मंडे की बात की है. सो वी विल यूज एट बिकॉज द सेंटेंस इज ऑफ पास्ट. ओके. सो आप लोगों को आज 31 से लेके 45 तक एमसीक्यू आपकी सीडब्ल्यू में लिखने हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. ओके. सो आप लोगों ने लास्ट 30 तक कंप्लीट किए होंगे, उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू 31 से करना है. ओके. 31 से लेके आप लोगों को 45 तक ये एमसीक्यूज अपनी सीडब्ल्यू में लिख देने. ओके. थैंक यू.